काम डाली थी। सो हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज का ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे घर पर कुछ स्पेशल चीज बनने वाली है। मम्मी से अभी पूछते हैं, मम्मी क्या बनेगा आज खाने में? जोर से दाल बाटी बनने वाली है आज हमारे घर पर। तो अभी तो मम्मी और हम सब मिलके अभी ये ईंटें उठा रहे हैं, लेकिन दाल बाटी कौन बनाएगा? मम्मी दीदी बनाएगी दाल बाटी। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि दाल बाटी क्या चीज होती है, जिसको पता है वो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज मतलब दाल बाटी कैसे बनती है, क्या क्या मतलब हर कोई अलग अलग तरीके से दाल बाटी बनाते हैं, और हमारे यहाँ किस तरह से दाल बाटी बनती है, तो सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। और ऐसा हो सकता है कि जब दाल बाटी घर पर बनने लगे ना, तो वो वीडियो शायद ही मैं शूट कर पाऊँ, तो वो व्लॉग शायद बिट्टू शूट करे। अभी मुझे भी पक्का पता नहीं है कि मैं घर जा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि काम बहुत ज्यादा बचा हुआ है। ईंटें उठानी है, फिर उधर गारा भी तैयार करना है, देख सकते हो पीछे। तो काम मेरे लिए पास तो अभी बहुत ज्यादा है, तो मैं जैसे दाल बाटी दीदी बनाना शुरू करेगी तो वो मैं शूट कर पाऊंगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया शूट तो बिट्टू शूट करेगा। क्या बिट्टू ब्लॉग बनाएगा ना, बुआ दाल बाटी बनाएगी तो। और अभी देखो बिट्टू कितना गंदा हो गया। क्या खा रहा बिट्टू बता पहले? टमाटर। क्या खा रहा? टमाटर खा रहा। और देखो हाथ कितने गंदे कर ले, देखा हाथ गंदे गंदे हाथ दिखा। अभी नीला नहाया ना तू, और इतना गंदा हो गया। और गाइस अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, जल्दी से। करते नहीं यार, मैं हम हर बार बोलते रहते हैं क्यों बिट्टू ये सब्सक्राइब नहीं करते है ना बिट्टू। हाँ यार बिट्टू नहीं अच्छा नहीं बोल रहे, कर देना यार। और देखते हैं अभी क्या होता है, ब्लॉग मैं शूट करता हूँ कि बिट्टू चलो बिट्टू कर लेगा है ना, बिट्टू कर लेगा ब्लॉग शूट। और आप लोग ब्लॉग पर बने रहना एंड तक। क्या नहीं चुप रहे, एंड तक जरूर देख के जाना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि दाल बाटी किस तरह से बनती है, सब कुछ बताएंगे है ना। बिट्टू की नो टंकी देखो आप ये देख सकते हो, दाल बाटी बनाना शुरू हो गया है। दीदी आटे में क्या क्या मिला है? रवो जीरो हलद नमक। रवा रवा भी डालिए कम आटा में? इसमें आटे में रवा जीरा और अजवान जीरा नहीं सॉरी जीरा नहीं अजवान और हल्दी। इसमें हल्दी और नमक वगैरह तो पता ही मिलता ही है। अब ये आटा गूंदेंगे, उसके बाद में बाटिया बनेंगी क्यों दीदी? और मम्मी अभी इधर क्या कर रही? मम्मी चूल्हा जलाने की तैयारी करे, क्यों पानी गर्म करना है। और अभी देखो मैं काम ही कर रहा था और ये शूट ये लेने ये क्लिप लेने के लिए मुझे आना पड़ा। बिट्टू को बोला था लेकिन बिट्टू ले नहीं पाया, उल्टी हरकतें कर रहा है, बिट्टू सही ले नहीं रहा है। और तो अभी देख सकते हो दाल बाटी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, दीदी आटा गूंदने लग गई है और इधर बिट्टू परेशान कर रहा है। अच्छा तू ट्रैक्टर चलाएगा? तेरी आंखें कैसी दिख रही गधे हैं? यार तो आधा आटा गूंदने के बाद बाटी बनाना भी शुरू हो जाएगा, सब सामान रेडी हो चुका है। ये देख सकते हो हमारा किचन। आप लोगों को हमारा किचन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। गाइस आप ये देख सकते हो दीदी ने बाटी बनाना भी शुरू कर दिया, आटा गूंद लिया उसके बाद देखो ये बाटी बना रहे। तो इस तरह से बाटी बनाई जाती है, आप लोगों ने देख लिया। बट बाटी बनने के बाद बाटी किस तरह से सेकते हैं वो भी तो बताना बाकी है, तो आप लोग व्लॉग पर कंटिन्यू रहना। अभी देखो रोटावेटर की आवाज आ रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, गारा कट रहा है। अभी ओमू के गारे में रोटावेटर लगा है, तो अभी मैं अब जा रहा हूँ, मेरे गारे में भी लगवाना है क्योंकि शेड बाहर गया, तो मेरा छोटा वाला भाई चला रहा है रोटावेटर, तो सभी काम मुझे वहां देखना पड़ेगा। देख सकते हो मेरे पैर अभी भी, देखो मेरे पैर अभी भी गंदे ही है, फिर मैं काम ही कर रहा हूँ। तो बिट्टू आगे का व्लॉग अच्छे से शूट करना है ना बिट्टू? हाँ। दीदी जैसे बाटी वगैरह सेकने लग जाएगी तब भी शूट करना है ना, सब कुछ लेना है बेटा। और पीछे के कैमरे से लेना है। हाँ। और अभी बिट्टू क्या कर रहा है, रोटी खा रहा है। हाँ। बिट्टू को भूख लगी तो सूखी रोटी खा रहा है, देखो ऐसे तो खाता ही नहीं। देखो बिट्टू को भूख लगी तो सूखी रोटी खा रहा है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, बाकी का व्लॉग बिट्टू शूट कर लेगा, मैं तो जाता हूँ। काम डाल दी देखो। ये
मैं अभी जस्ट घर आया हूँ और मुंह हाथ धोया मैंने, तो ये देख सकते दीदी ने बाटी, दीदी इसको क्या बोलते जिसके ऊपर रखा हुआ है, ऊन, बाटी का ऊन है जिसके ऊपर ये बाटी रखी हुई है। और अभी दीदी अपने घर पहली बार ये ऊन के ऊपर बाटी बन रही ना, हम हमेशा पता है दीदी कंडे पर बाटी बनाती थी, क्यों दीदी कंडे सेक लेती थी, मतलब जला के बाटी सेकती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ये ऊन पर बाटी बना रहे, तो इसका देखेंगे इसका टेस्ट कैसे क्या होगा, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी ऊन की बनी हुई बाटी नहीं खाई है। देख सकते हो ये दीदी अभी सेक रही है, और इससे पहले बिट्टू ने कई क्लिप वगैरह लिए है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है। बिट्टू को मैं बोल के गया था कि बिट्टू देखना क्लिप वगैरह ले लेना, उससे पहले तो मैं ही लेके गया था, लेकिन थोड़ा बहुत अगर लिया है कि नहीं मुझे नहीं पता। वो तो ये एडिटिंग होगी तब पता चली जाएगा। तो गाइस ये बाटी अब जाकर बनी है, देखो ये ऊन पर सेकी ना, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया दीदी को, क्योंकि इससे पहले तो हम लोग कंडे पर ही बाटी सेकते थे, तो पहली बार बनाई ऊन पर बाटी, देखते हैं कैसा क्या टेस्ट होगा। और इधर देखो मम्मी क्या हो गया, घी लगा रहे थे तो गर्म है, ज्यादा ताती थी गर्म है अभी, लेकिन मम्मी ने दो एक बाटी को घी लगा दिया, देखो ये अभी गरम गरम है, मम्मी तुम्हें ठंडी हो जाने दो, अभी भूख में मतलब पेट में तो अभी चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन जरा ठंडी हो जाने दो, चूहे को बोल देंगे भाई थोड़ी देर तक और दौड़ा कर। तो अभी ये जैसे ठंडी हो जाएगी बाटी वाटी, तो मम्मी फिर घी वगैरह लगा देगी, उसके बाद हम खाएंगे, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है ठंडी होने में और ये घी लगने में। तो गाइस ये देख सकते हो मैंने दाल निकाल लिए और ये बिट्टू ने बाटी पर रख दी, बिट्टू तू खा रहा बाटी, चल खा के बता टेस्ट कैसा है। तो अभी बिट्टू और बुआ, बिट्टू की बुआ मतलब दीदी खा रहे हैं, बिट्टू और दीदी साथ में खा रहे हैं। और इधर मम्मी आपने ली कि नहीं बाटी? नहीं बेटा अभी बाद में खाऊंगा, तुमको दूंगा नहीं। मम्मी मतलब हम सबको खिलाने के बाद खाएगी क्यों हमें? तो अभी हम सब खा लेते। और बिट्टू कैसा टेस्ट कैसा है बाटी का? बिट्टू क्या है, एक नंबर है। तो गाइस अभी मैं भी फटाफट टेस्ट करके देखता हूँ कैसा क्या टेस्ट है ना, फिर आप लोगों को बताता हूँ। अरे वेर खाई कर खाना था। तो गाइस अब मैं भी खा के टेस्ट करता हूँ, मैं थाली हाथ में इसलिए पकड़ी हुई है क्योंकि मैं राइट हैंड से खाता हूँ और ब्लॉग भी मैं राइट हैंड से शूट करता हूँ, तो अगर मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो फिर खाऊंगा कैसे, टेस्ट कैसे करके बताऊंगा, तो इसलिए मैंने मोबाइल रख दिया है और अब मैं टेस्ट करता हूँ कैसे क्या टेस्ट है इसका, देखते हैं। बिट्टू किधर भाग गया बिट्टू? गरम गरम भी है क्या? और गैस आप लोगों ने कभी दाल बाटी खाई है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग कंडे पर सेक कर दाल बाटी खाते हो या फिर आप लोग ऊन पर सेक कर बाटी बनाते हो या कंडे पर बनाते हो, कमेंट करके जरूर बताना कौन कहाँ पर बनाता है। और अभी मैं खा के देखता हूँ। बेटू तूने खा लिया बेटा? ये बुआ के साथ खाता रहा था, कंडा की बाटी से, कंडे की बाटी से थोड़ा स्वाद अलग है। एक 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 ही नहीं वाला खाया अभी, तो जरा दो तीन खा के देखने तब बताऊंगा कि कैसा क्या टेस्ट है। और दीदी तुमने बनाया तो कैसा टेस्ट है? अच्छा जी, दीदी झूठ बोल रहे, मेरे को नहीं लग रहा कि अच्छा है क्योंकि ईमानदारी से खा ही नहीं रही है। देखा दीदी को उनकी बाटी अच्छी नहीं लगती है। बिट्टू वही मत बैठ, देखाएगा नहीं पर अब तो मैं आपके वीडियो बनाऊंगा। आए बैठ, आए आए बैठ, आए बैठ, आए आए आपके वीडियो बनाऊंगा जट्टो, शुक्र आपकी आपकी। चल तो गाइस सच्ची सच्ची बताओ ना, तो मुझे ये ऊन की बाटी का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कंडे की जो बाटी रहती है उससे ज्यादा अच्छा होगा,
नहीं, कंडे की बाटी का स्वाद ही अलग है क्यों दीदी? वो ज्यादा टेस्ट लगती है ना, वो कंडे की बाटी से थोड़ा टेस्ट कमजोर है, वरना ठीक ठाक ही है, अच्छा खासा है। तो अभी मैं फटाफट खा लेता हूँ, है ना। बस मम्मी ने मुझे बहुत ही ज्यादा दाल निकाल के दे दी थी, दोबारा से ली थी, वो पहले दी थी मम्मी ने, वो तो मैं खा लिया, लेकिन और भी डबल से थी मम्मी ने दाल, तो मैं अभी खा नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने तभी छोड़ दिया है। तो मम्मी इसको ना ढक दो, मैं बाद में खा लूंगा, है ना। और मम्मी ने भी देखो ये खाना शुरू कर दिया सबको खिलाने के बाद। तो मम्मी कैसा क्या टेस्ट है ये बाटी का? अच्छा है। और मम्मी जैसे कि अपन हर बार कंडे की बाटी बनाकर खाते थे, और इस बार अपन ने ऊन की बनाई है ना, तो कौन सा वाला टेस्ट ज्यादा अच्छा रहता है? ऊन की अच्छी लग रही है मम्मी को, ऊन वाली अच्छी लग रही है, पता नहीं यार, या मुझे कंडे वाली ज्यादा अच्छी लगती है, बट अगर मम्मी को ऊन वाली ज्यादा अच्छी लग रही तो ऊन वाली ही ज्यादा अच्छी बनती है बाटी क्या। तो गाइस मैं खा नहीं पाया, इतना ज्यादा मम्मी ने दे दिया था, तो मम्मी ने ढक दिया, लेकिन मैं बाद में खा लूंगा। और अब ये ब्लॉग को हम यही रोक देते, एंड कर देते। और अगर आप लोगों को हमारा ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये दीदी चुप हो जानी जरा, कुछ मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और गाइस मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।